अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बीबी जान के दस्तरखान से हॉट एंड सार सूप बनाना सिखाएंगे। ये सर्दियों में सूप बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए आज हम आपको इसकी रेसिपी बताएंगे। इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं। एक पाव हमने बोनलेस चिकन लिया है और उसको पतला पतला स्ट्रिप्स में हमने काट लिया है। 2 अदद अंडे चाहिए होंगे। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को हमने ठंडे पानी में मिक्स करके रख लिया है। 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 3 टेबलस्पून केचप, 1/2 कप शिमला मिर्च, इसको भी हमने पतला पतला काट लिया है। 1/2 कप हमें बंद गोभी चाहिए होगी, 1/2 कप गाजर, थोड़ा सा हरा प्याज चाहिए होगा, 2 टेबलस्पून हमें सिरका चाहिए होगा, 1 चिकन क्यूब, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, ये आप अपने जायके के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं, हरी मिर्चें और काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून। ये हमने चिकन की यखनी पहले से निकाल के तैयार कर ली है। मैंने अपने कॉर्न सूप वाली रेसिपी में यखनी बनाना सिखाया था, उसी तरह से बिल्कुल ये यखनी हमने तैयार की है। इसके लिए हमने ये 5 से 6 कप यखनी निकाली है सूप के लिए। इसको हम फ्लेम तेज कर देंगे। एक पैन में हमने 1 टेबलस्पून मक्खन लिया है। इसमें हमने चिकन को थोड़ा सा सोते करना है। इसको हल्का सा हम लोग भून के सूप में ऐड करेंगे। ये देखें, हमने चिकन को 2 से 3 मिनट तक से भूना है कि इसका जो चिकन का कलर है वो चेंज हो जाए। अब हम इस चिकन को ज़्यादा इसमें नहीं भूनेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसको करना है। अब हम इसको सूप में ऐड कर देंगे। चिकन अब इसमें पकेगा भी। अब इसमें हम सूप में अपनी सारी चीजें शामिल करेंगे। अब हम इसमें यखनी में अपनी सारी चीजें ऐड करेंगे। चिकन क्यूब, सिरका, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक। नमक का थोड़ा कम ही डालें क्योंकि हमने इसमें चिकन क्यूब भी डाला है और सोया सॉस में भी नमक होता है। केचप, ये सूप 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाता है अगर आप चीजें पहले से तैयार रखें। इसमें हमने 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब इसमें ऐड कर दें अपनी वेजिटेबल्स, गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च। हरा प्याज हम बिल्कुल एंड में डालेंगे और सब्जियों को हमने ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि सब्जियां अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं तो वो अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है उनका। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। ये हमने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर 1/2 कप ठंडे पानी में मिक्स कर रखा था, इसको आहिस्ता आहिस्ता हम डालेंगे जितनी हमें इसकी थिकनेस चाहिए होगी। इसको हमने 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाना है। अब ये देखिए, हमने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाया है, इसको हमने ज्यादा नहीं पकाना। अब इस स्टेज पे हमने इसमें जो अंडे थे उनको हल्का सा फेंक के डालना है और बिल्कुल स्लो स्लो करके। अब हमने अंडों को इसको डालना है इसमें। अब ये हमारा मजेदार हॉट एंड सार सूप तैयार है और इसमें हमने हरा प्याज अब डालना है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अब ये हमारा मज़ेदार हॉट एंड सॉर्ट सूप तैयार हो चुका हुआ है। इस डिश का कमेंट्स में फीडबैक देना ना भूलिएगा
और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।